दोस्तों 9:11 हुए हैं और मार्केट अभी फिलहाल ओपन नहीं हुआ है। दोस्तों अभी प्री मार्केट सेशन जो था वो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोस्तों जो मार्केट है वो गैप डाउन यहाँ होने वाला है। फिर निफ्टी में देखें तो 19,106 पर दोस्तों ये ओपन होने वाला है। और दोस्तों यहाँ आज हम जो है फिर निफ्टी में ही आज ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर हम देखें, ये देखिए जो प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 19,216 की थी, बट ये जो दोस्तों ओपन हो रहा है 19,106 पे ये ओपन हो रहा है। 0.57% दोस्तों ये डाउन ओपन होने वाला है, मतलब मार्केट दोस्तों आज भी यहाँ गिरावट देखी जाने वाली है, ठीक है। और देख लेते हैं एक बार हम इसका चार्ट देखते हैं कल का। जैसे कि 9:15 में मार्केट ओपन होगा, पर हम इसका कल का चार्ट देखें तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट कल थी। कल जो था दोस्तों वो थर्सडे एक्सपायरी था और अच्छी खासी गिरावट हुई थी, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक ये लगातार दोस्तों नीचे आया था, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम आज फिर निफ्टी में ट्रेड लेंगे और दोस्तों हम आज जो लेंगे पुट साइड में ही ट्रेड लेने वाले हैं। निफ्टी में देखें तो 0.52% डाउन है और बैंक निफ्टी भी दोस्तों 0.5% यहाँ डाउन है, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली गैप डाउन ओपन होने वाला है, तो दोस्तों वेट करते हैं। तो दोस्तों 9:14 हुए हैं, मार्केट जस्ट ओपन होने ही वाला है, वेट कर रहे हैं हम, देखते हैं कहाँ पे ओपन होता है। दोस्तों 9:15 हो चुके हैं और मार्केट ओपन हो चुका है, आप यहाँ देख भी सकते हैं जो ओपन हुआ है 19,106 पे ही हुआ है। जो लो लगाया अभी 19,103 का लगाया है, 19,132 का इसने हाई लगाया है और अभी ऊपर नीचे ये हो रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पुट ऑप्शन ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जो है एंट्री लेंगे 19,200 के पी में, दोस्तों हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो जैसे कि प्राइस अभी चल रहा है 120-122, तो इसी प्राइस पर हम एंट्री ले लेते हैं। तो फिलहाल हम 122 करके एंट्री यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखें तो जो हमारी एंट्री हुई है 120.8 पे यहाँ हुई है। एक लॉट में दोस्तों हमने एंट्री कर ली है, पुट साइड में एंट्री ली है। दोस्तों आज हम मल्टीपल ऑर्डर में दोस्तों यहाँ सॉरी मल्टीपल लॉट्स में यहाँ ट्रेड लेने वाले हैं। मार्केट देखें तो नीचे ही जा रहा है, ये 19,107 पे आ चुका है। दोस्तों हमने 19,100 का पी भी ऐड किया हुआ है, अभी फिलहाल हम इसमें ट्रेड नहीं लेते क्योंकि प्राइस दोस्तों बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ हमने 3 स्ट्राइक प्राइस ऐड किए हुए हैं, OTM, ATM और ITM, तीनों ही लगभग हमने ऐड किए हुए हैं। तो दोस्तों हम यहाँ अभी वेट करके एंट्री लेंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं ये फिलहाल अभी एक रेड कैंडल यहाँ बन रही है, 15 मिनट का हम देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं 19,200 के पुट ऑप्शन में, जो हमने अभी फिलहाल ट्रेड लिया है, क्योंकि मार्केट जो है अचानक से ऊपर भी जा सकता है और हमें लॉस भी दोस्तों यहाँ हो सकता है। फिलहाल ये भी ऑन कोस्ट ही चल रहा है, एग्जिट पे जाते हैं और हम यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। दोस्तों जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 105 का लगा लेते हैं, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, देन ऊपर हम कर देते हैं 101 ही रख देते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ हमारा स्टॉप लॉस प्लेस हो चुका है, अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें लॉस नहीं होने का। 19,100 का पी, दोस्तों एक काम करते हैं हम ना यहाँ OTM में एंट्री लेते हैं, मतलब अभी देखिए थोड़ा प्रॉफिट नजर आ रहा है, 19,000 के पी में एंट्री लेते हैं। अगर मार्केट और गिरेगा तो अच्छा खासा रिवार्ड यहाँ मिल सकता है, जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 39, 38, 37, दोस्तों प्राइस डाउन आ रहा है तो हम इसमें एंट्री लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम 33 पे एंट्री ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा। तो 34, 33 रखते हैं, 33 रख के ये हमने प्लेस कर दिया। दोस्तों हमने यहाँ ऑर्डर प्लेस कर दिया है 19,000 के पीई का। अभी फिलहाल हमारे 2 ऑर्डर लगे हुए हैं, एक जस्ट अभी ओपन में है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम और लॉट ऐड यहाँ करने वाले हैं। दोस्तों थोड़ी देर में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम जब आए हैं 9:46 हुए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फिलहाल हमारी जो पोजीशन है प्रॉफिट में है। फिलहाल दोस्तों जो हमने एंट्री ली थी उसमें हमें लॉस हो गया था। दोस्तों हम यहाँ एक लॉट और ऐड करेंगे यहाँ पर 115 के प्राइस पे, पहले हम इसे लगा लेते हैं 118। तो दोस्तों हमने यहाँ 3 लॉट ऑलरेडी लिए हुए हैं, चौथे लॉट के लिए हमने यहाँ एंट्री लगा दी है। जब 115 का भाव आएगा तो हमारा एक लॉट और ऐड हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों जैसे ही हमने एंट्री ली थी तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए और हमें 1,000 रुपये के आसपास का लॉस हुआ। हमने दोबारा री एंट्री करी है और हमने इसमें 3 लॉट लिए हुए हैं, तो फिलहाल अभी हम प्रॉफिट में हैं।
तो दोस्तों अभी हमारे 3 लॉट ही हैं, चौथा लॉट अभी ऐड नहीं हुआ है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम स्टॉप लॉस को टेल करके ऊपर ले आते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं, 85 पे जो हमारे स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसे ऊपर ले आते हैं, इसे 91 कर देते हैं ताकि मार्केट रिवर्स आए तो हमें लॉस ज़्यादा ना हो। और इसे भी कर देते हैं जो डबल लॉट वाला है, 75 पे था इसे हम 90 कर देते हैं। तो फिलहाल दोनों हमने मॉडिफाई कर लिए अपने स्टॉप लॉस को और अभी हम जस्ट 1,000 रुपये प्रॉफिट में दोस्तों यहाँ शो हो रहा है। 9:49 हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ वेट ही करना पड़ेगा। हमने दोस्तों स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ लगाए हुए हैं प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा, कोई नहीं देखते हैं कहाँ तक हम प्रॉफिट में जाते हैं। स्टॉप लॉस भी लगाया है, 1 लॉट ऐड करने के लिए लगा है। कोई नहीं दोस्तों, हम यहाँ वेट करेंगे और कुछ नहीं, मार्केट को ट्रैक करना है। अब हमने 3 लॉट लगाए हुए हैं, चौथा लॉट हमारा जल्दी ही ऐड हो जाएगा। फिलहाल अभी 106 पे ये चल रहा है दोस्तों, वेट करते हैं क्या होता है प्रॉफिट या लॉस देखेंगे। दोस्तों अचानक मार्केट ऊपर आया और हमारा जो भी प्रॉफिट था दोस्तों, वहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे थे और दोस्तों वहाँ हमारा लॉस हुआ क्योंकि हमने कई लॉट में एंट्री ली हुई थी। फिलहाल दोस्तों 2900 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ हुआ है टोटल।